रुद्रप्रयाग के स्यून गांव में 3 दिवसीय सिद्धवा विधवा देव नृत्य का पूजा अर्चना के बाद समापन हुआ। इस दौरान देवभूमि हरिद्वार से चौखंबा हिमालय तक सभी तीर्थों और देवी देवताओं आवाहन करते हुए पूजन भी किया गया। इस दौरान ग्रामीण देव पशुओं पर देवी देवता अवतरित हुए और सभी को आशीर्वाद दिया। बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों में आदिकाल से चली आ रही पौराणिक परंपरा से सभी देवी देवताओं को कांस की थाली, डमरू, हुड़का आदि वाद्य यंत्रों, देव गीतों, मंत्रों से नचाया जाता है। ये पौराणिक परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। वहीं स्यून गांव में इस दौरान नाग नृत्य और भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया। जानकारी के अनुसार सिद्धवा विधवा को भेड़ पालकों का आराध्य भी माना जाता है। सिद्धवा विधवा नृत्य में दोनों भाइयों के हिमालयी क्षेत्रों के भ्रमण, मखमली बुग्यालों में विचरण करने का वृतांत भी गाया जाता है। साथ ही एड़ी आछवी नृत्य का आयोजन दोष मुक्त के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जब कोई महिला गढ़वाल की ऊंची चोटियों में पीले और लाल रंग के कपड़े पहनकर जाती है तो वन देवी एड़ी आछवियों का उन पर दोष लग जाता है। इसके बाद एड़ी आछवियों और वन देवियों के दोष को नृत्य के माध्यम से मुक्त किया जाता है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पहले जमाने में यहाँ संस्कृत नहीं था। यहाँ जब शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी आई तब यहाँ संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ। पहले ब्राह्मण लोग इसी थाली डोरी इसी रिदम से जो है देवताओं को प्रसन्न करते थे। ये हमारी बहुत पौराणिक परंपराएं हैं जिसमें हमारे आदि देवता श्री नरसिंह भगवान, श्री नागेंद्र भगवान जिनको नाग देवता बोलते हैं, सिद्धनाथ, विद्धनाथ, एड़ी, वनदेव, आचरी जितने भी हमारे पितृदेवता उनका आह्वान इसी के द्वारा किया जाता था। ये उस समय से ये परंपरा चल रही है, वो आज भी चिरकाल से जो परंपरा है वो आज भी इसी परंपरागत ढंग से चल रही है। नाग देवताओं के बारे में तो ये कहा गया है कि नागपुर नाम जो है नाग देवताओं के नाम पर पड़ा है और सिद्धवा विधवा जो है उनके एक प्रकार से मंत्री के रूप में थे जो उनकी रक्षा करते थे। सिद्धवा विधवा के पिताजी का नाम घांगो था, माँ का नाम मैनावती था और वो नाग जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु जो है जब पांडवों के साथ बद्री केदार क्षेत्र में आ रहे थे तो उस समय जो है जब वो हरिद्वार के पास पहुँचे उस समय उन्होंने जब देखा भगवान कृष्ण भी साथ में थे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे शिवलिंग ही शिवलिंग हैं और ये कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर पैर रखा नहीं जाता है। पांडव बड़े अफसोस में पड़ गए, उन्होंने कहा कि भाई कैसे करके जो है हम बद्री केदार तक जाए। तो भगवान विष्णु ने जो है श्री कृष्ण ने जो है नाग सांप का रूप धारण किया। सर्प सांप के जो है पाँव तो होते नहीं हैं और इस प्रकार उन शिवलिंगों के बीच से होते हुए गुजरते हुए वो बद्री केदार क्षेत्र में जो है उन्होंने भ्रमण किया। गोत्र का जो पाप लगा था उसका मोचन जो है उन्होंने केदारनाथ में किया और इस प्रकार इन पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे और कृष्ण का अवतार ही नाग है।